किसान भाइयों नमस्कार, मैं पिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, बहुत से किसानों का कमेंट आ रहा है कि हमारी धान की फसल की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, हमारी धान की फसल भी 30 से 40 दिन की हो चुकी है, जबकि हमने अपनी फसल को DAP, पोटास, यूरिया, जिंक, सल्फर आदि व सब कुछ दे दिया है जो फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी था। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए कुछ किसानों का भी यही समस्या है। उन्होंने पौधे की जड़ का फोटो भी डाला है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जड़ छोटी है, जड़ का विकास धान के पौधे के हिसाब से जैसा होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। मूल जड़ काफ़ी छोटी है और मूल जड़ से जुड़ी हुई जड़ें भी छोटी हैं। जड़ें काली पड़ चुकी हैं। काली जड़ों का होना फंगस की वजह से होता है। फंगस ज़मीन में पनपती हैं जिसके प्रकोप से जड़ें काली हो जाती हैं, जड़ों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, यहाँ तक कि जड़ें गलने भी लगती हैं। काली जड़ों की वजह से पौधा आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर पाता है जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, फसल पीली हो जाती है, यहाँ तक कि पौधे मुरझाकर मरने लगते हैं। सब कुछ देने के बावजूद यदि फसल कमज़ोर है तो पौधे की जड़ को ज़रूर देखनी चाहिए। खेत में जाकर किसी कमज़ोर पौधे को उखाड़ कर जड़ को अच्छी तरह से धो लें। यदि पौधे की जड़ में काली फफूंद दिखाई दे रही है और जड़ का विकास सही से नहीं हुआ है, जड़ गल रही है, तो समझ जाइए हमारी फसल की ग्रोथ इसी वजह से रुकी हुई है। हमने जो पौधा उखाड़ा है उसकी जड़ें काफ़ी लंबी हैं। यह फसल अभी केवल 30 से 35 दिन की हुई है, आप खुद देख सकते हैं। इस पौधे की जड़ें काफ़ी विकसित हैं, मूल जड़ भी काफ़ी लंबी है, पौधे से निकली हुई अन्य जड़ें भी काफ़ी लंबी एवं अधिक संख्या में हैं, जड़ भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जड़ में किसी भी तरह का फंगस या कीट का अटैक नहीं है। यदि आपके धान के पौधे की जड़ पूरी तरह से स्वस्थ है और फसल आपकी ग्रोथ नहीं कर रही है तो हो सकता है कि आपकी फसल में पोषक तत्वों की कमी हो, तो आप फसल को केवल पोषक तत्वों की पूर्ति करें, अनावश्यक कोई दवा डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि पौधे की जड़ छोटी है और काली पड़ चुकी है और जड़ का विकास बिल्कुल प्रभावित है, जड़ें सड़ रही हैं, तो समझ लीजिए कि पौधे की जड़ में काली फंगस लग चुकी है। इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए यदि हम किसी फंगिसाइड आदि का इस्तेमाल पानी छिड़काव के रूप में करते हैं तो इसका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि रोग जड़ में है। इसलिए पत्तियों पर दवा डालने से यह रोग दूर नहीं होगा। इस रोग को दूर करने के लिए आपको कापर सल्फेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कापर सल्फेट के तहत आपको कापर 24% और सल्फर 15% वाला टेक्निकल लेना होगा। प्रति एकड़ कापर सल्फेट 1.5 से 2 किलो लेकर यूरिया में मिलाकर पूरे खेत में अच्छी तरह से छिट्टा लगा दें। खेत में यदि पानी है तो ठीक है, लेकिन यदि खेत में पानी नहीं है तो खेत में अच्छी तरह से पानी ज़रूर लगा दें ताकि पानी के साथ कापर सल्फेट घुलकर पौधे की जड़ तक पहुंच जाए। जड़ों के संपर्क में आते ही या कुछ दिनों में ही जड़ों से फंगस को ख़त्म कर देगा और जड़ें फिर से स्वस्थ होकर पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराने लगेंगी, जिससे फसल फिर से पूरी तरह से स्वस्थ होकर ग्रोथ करने लगेगी। कापर सल्फेट कृषि से संबंधित दुकान पर लगभग 600 रुपये प्रति किलो की दर से आसानी से मिल जाती है। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।